तो पाकिस्तान में कंगाली आ चुकी है। जनता दाने दाने को मोहताज होने पर आमादा है। पाकिस्तान में रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान में महंगाई बम फूट रहा है, यानी कि प्याज की कीमत की अगर बात करें तो पाकिस्तान में 220 से 300 रुपए प्रति किलो प्याज की कीमत हो गई है। पाकिस्तान में दूध के दाम 114.08 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 149.07 रुपए प्रति लीटर हो चुके हैं। आटे की बात करें तो आटे की कीमत 150 रुपए प्रति किलो तक जा चुकी है। इतना ही नहीं, गोश्त की कीमत 800 रुपए प्रति किलो से भी ज्यादा की हो गई है। रुपए के दाम गिरने के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम 35 रुपए बढ़ने के बाद अब पेट्रोल 250 रुपए प्रति लीटर पाकिस्तानी रुपया हो गया है। और बावजूद इसके तेल नहीं मिल पा रहा, और अब पाकिस्तान में बिजली के दामों को 50% महंगा करने की तैयारी की जा रही है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। महंगाई से परेशान पाकिस्तान की जनता पर एक और बड़ा प्रहार हुआ है। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम में 35-35 रुपए का इजाफा हुआ। पाकिस्तान में पेट्रोल 249.80 रुपए और डीजल के दाम 262.80 रुपए हो चुके हैं। बिगड़ी अर्थव्यवस्था से जूझते पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम 35 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का फैसला किया गया। इस फैसले के बाद पाकिस्तान की जनता का हाल बेहाल हो गया। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 249.80 रुपए प्रति लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत 262.80 रुपए प्रति लीटर हो गई है। 35-35 रुपए का डीजल और पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया। वहीं केरोसिन तेल के दाम भी 18 रुपए लीटर तक महंगे हो गए। पाकिस्तान में 1 लीटर केरोसिन तेल के लिए 189 रुपए अब देने होंगे। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने रविवार सुबह नई कीमतों के लागू होने से कुछ मिनटों पहले टीवी पर एक संबोधन में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया। पेट्रोल की कीमत 249.80 रुपए हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 35 रुपए इजाफे के बाद 262.80 रुपए हो गई है। तेल के दामों को बढ़ाने के शहबाज शरीफ सरकार के इस फैसले को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने जमकर हमला बोला। इमरान खान ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ईंधन की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी और रुपए की गिरती वैल्यू ने जनता और वेतन भोगी वर्ग को कुचल दिया है। और इसी बीच पाकिस्तान में शहबाज सरकार के तेल के दाम बढ़ाने के खिलाफ वहां का ट्रांसपोर्ट संगठन खड़ा हो गया। पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट संगठन के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि शहबाज सरकार ने मजदूरों का जीना मुश्किल कर दिया है। पाकिस्तान में बेलगाम होती महंगाई के बाद वहां के शहबाज शरीफ की सरकार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई, यानी कि सवाल यह है कि किस किस मोर्चे पर पाकिस्तान की शहबाज सरकार खुद को संभालेगी। पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ एक और धड़ा खड़ा हो गया है। वहाँ का ट्रांसपोर्ट यूनियन सरकार की जमकर आलोचना कर रहा है। इनको रातों रात ख्वाब आती है कि आज हमने मजदूर पे, किसान पे और बोझ डालना है। पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट यूनियन ने तेल के बढ़े हुए दामों का विरोध किया और कहा कि इससे सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा, और ये भी आरोप लगाया कि तेल के दाम मरियम नवाज के कहने पर बढ़ाए गए। नवाज शरीफ के हुक्म के मुताबिक शहबाज शरीफ को हुक्म दिया कि जनाब ये पेट्रोल जो है 35 रुपए रेट अब बढ़ा दें, डीजल का रेट बढ़ा दें। पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट यूनियन ने भी ये भी ऐलान किया कि जल्द ही महंगाई के खिलाफ वो लोग सड़क पर उतरेंगे। पाकिस्तान इन दिनों आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वहाँ महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन इन सबसे बेपरवाह वहाँ के नेता नोटों की बारिश करते दिखाई दी। ये तस्वीरें इस बात की चीख चीख कर तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान में हालात इतने बदतर क्यों हो गए हैं। हवा में नोट लहराते ये नेता सत्ताधारी पार्टी के हैं, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन के। मौका था मरियम नवाज की वापसी के जश्न का, तो उनकी पार्टी के नेता भला इससे पीछे कैसे रहते। PMLN पार्टी के लाहौर अध्यक्ष सैफ उल मलूक ट्रक पर खड़े होकर नोट उड़ाने लगे। हालांकि इसी बीच पास में खड़े दूसरे नेता ने रोकने की कोशिश की, लेकिन इससे बेपरवाह शहबाज शरीफ की पार्टी का ये नेता नोट उड़ाता रहा। पाकिस्तान भुखमरी की कगार पर है, लेकिन वहां के नेताओं की मौज है। वहाँ की सरकार जनता की मदद करने के बजाय शाहखर्ची और फिजूल खर्ची में व्यस्त है। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था, गवर्नमेंट फंक्शनरी को इंपर्सोनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीप का। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 फरवरी 9 PM।